अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा दो कैरेक्टर से। दोनों भाई हैं, दोनों अलग अलग जगह रहते हैं और दोनों की इफ्तारी आज मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मर्दों के लिए भी है, ये वीडियो खवातीन के लिए भी है कि किस तरह की इफ्तारी करने से वजन कम होगा, किस तरह की इफ्तारी करने से वजन कम नहीं होगा बल्कि बंदा बम होगा। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, थोड़ी फनी वीडियो है लेकिन बड़े सीरियस नोट पे बहुत अच्छी बातें इसमें बताई जाएंगी। पूरी वीडियो देखनी है आपने। चुनू भाई की इफ्तारी सही है या मुन्नू भाई की इफ्तारी सही है, तो वीडियो शुरू कर। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज की वीडियो में मैं आपको दो हस्तियों से मिलवाऊंगा, एक हैं चुन्नू भाई, दूसरे हैं मुन्नू भाई। दोनों की अलग अलग तरह की इफ्तारी करने का तरीका है और आज मैं आपको दोनों बताऊंगा, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुन्नू भाई, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपको क्या हाल है? अल्लाह ताला का करम। अच्छा चुन्नू भाई, आप एक सेकंड रुके, जरा पहले मैं मुन्नू भाई का इंट्रोडक्शन करा दूं फिर आपसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम मुन्नू भाई, आप बताएं आपके क्या हाल है? जी हाल का क्या, वालेकुम अस्सलाम, हाल का क्या पूछ रहे हैं? हाल चाल तो बिल्कुल ठीक है, घर में पड़े हुए हैं। हाँ सही बात है, लॉकडाउन है, ज्यादा हम बाहर नहीं जा पा रहे, बस जो है वो खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जैसी इफ्तारी हो सकती है कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आजकल आपकी इफ्तारी कैसी जा रही है, थोड़ा हमारे साथ शेयर करें कि आप इफ्तारी में आजकल क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वजन कम करने के लिए कोई डाइट कर रहे हैं इफ्तारी में, किस तरह की इफ्तारी कर रहे हैं, प्लीज जरा शेयर करें। अफ्तार का क्या, अब बाहर पहले जैसे जाते थे, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, जलेबियाँ वलेबियाँ तो ला नहीं सकते हैं, और बीवियाँ को बीवी को बोलते हैं कि बना लो भाई कोई पकौड़े शकोड़े घर में और समोसा, बस इधर आज जाता है तो पकौड़ा, इधर आज जाता है तो समोसा। अब इतना परेशान है बंदा, क्या करे बताओ, क्या करे कि आप ये बताओ क्या करे क्या। तो भाई मुझसे क्यों लड़ रहे हैं, मैंने थोड़ी लॉकडाउन किया है यार, आप अपनी इफ्तारी के बारे में बताएं। अभी मैं आपकी डाइट की वीडियो भी देख लेता हूँ, मतलब आप तो डाइट में यार, अब इतना लॉकडाउन चल रहा है मेरा, बंदा इतना परेशान है, आप बता दो क्या कर रहे हैं, मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा आला दुख गया है मेरा। अच्छा मुन्नू भाई छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आप इफ्तार में पीते क्या है, खाना तो चलो एक तरफ हो गया, आप पकौड़े वकौड़े सब चीज़ें खा रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी आप बताएं पीते क्या है। और अफ्तार में कभी रोज़ा दूध वाला मिल जाए, और कभी कोल्ड ड्रिंक, ड्यू, पेप्सी, अल्लाह का खुदा का करम है कि लॉकडाउन में भी ये मिल जाता है, प्याज उपजा लेते हैं अपनी। अरे मुन्नू भाई पेप्सी ड्यू तो फिर वजन कैसे कम होगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, पेप्सी और ड्यू तो नहीं पीनी चाहिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी मना किया था। आप क्या बात कर रहे हो, मतलब यार अब पहले 3 गिलास पीते थे, अब 1 गिलास पीते हैं, ये वजन कम होगा ना फिर। अच्छा। 1 गिलास भी ज्यादा। अच्छा चले मुन्नू भाई, मैं आपकी डाइट पे तो आपको अल्लाह हाफिज करने के बाद अपना तबसरा दूंगा, वहाँ से चुन्नू भाई भी देखें हंस रहे हैं, अब चले जरा चुन्नू भाई की तरफ चलते हैं और उनकी डाइट के बारे में जानते हैं, वो कैसी है आज, वो क्या आजकल इफ्तारी कर रहे हैं। आप फिर ये कटा रहे हो, हमें कटा नहीं रहा, आप यही बैठे हैं, आप यहाँ बैठ के चुन्नू भाई की डाइट सुने के चुन्नू भाई चुन्नू भाई का ज्यादा इंटरेस्ट है आप में। नहीं नहीं आप चुन्नू भाई की डाइट सुने, मैं आपको नहीं कटा रहा कर रहे हो, फिर मैं बोलने पे आऊंगा ना तो मैं चुप नहीं होता हूँ। नहीं भाई आप अभी सुने, बस अभी आप 2 मिनट रुके, चुन्नू भाई से जरा बात करें फिर वापस आपसे बात करते हैं। जी चुन्नू भाई, अच्छा आप बताएं कि आजकल आप डाइट में क्या कर रहे हैं, किस तरह की डाइट कर रहे हैं, किस तरह की इफ्तार कर रहे हैं, एक्चुअली इफ्तार किस तरह की कर रहे हैं, ये जरा सा हमें प्लीज गाइड करें कि आप आजकल इफ्तार में क्या खा रहे हैं। इफ्तारी में क्या खाना है, जैसे जैसे आपने बताया सबके साथ खाया, लेकिन एक अपनी अलग प्लेट ली, उसमें एक पकौड़ा डाला, थोड़ी सी फ्रूट चाट डाली, थोड़ी सी चना चाट डाली, नमक वाली लस्सी डाली। अच्छा तो नमक वाली लस्सी पी आपने, चीनी नहीं डाली उसमें? नहीं। अच्छा तो ये बताएं कि पकौड़ा सिर्फ एक क्यों लिया चुन्नू भाई, एक से ज्यादा का दिल नहीं चाहा? इसीलिए क्योंकि जिस दिन पकौड़ा खाया उस दिन समोसा नहीं खाया, और जिस दिन समोसा खाया उस दिन पकौड़ा नहीं। देखिए चुन्नू भाई मेरी बात पे कैसा अमल कर रहे हैं कि जिस दिन पकौड़ा खाना है उस दिन समोसा नहीं खाना, और जिस दिन समोसा खाना है उस दिन पकौड़ा नहीं खाना, सिर्फ एक खाना है, और अपनी इफ्तार हेल्दी करनी है, अगर लस्सी पीनी है तो नमक वाली लस्सी पीनी है, लस्सी में चीनी नहीं मिलानी। अच्छा चुन्नू भाई मुझे बताएं लस्सी के अलावा, एक आध दिन तो आपने लस्सी पी ली, और किसी दिन बताएं इफ्तार में लस्सी के अलावा और क्या पिया आपने? नींबू पानी पिया। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा चुन्नू भाई मुझे ये बताएं कि कभी दिल नहीं चाहता कि यार सिर्फ मैं एक पकौड़ा खा रहा हूँ, यहाँ बने में पकौड़े, यहाँ से थोड़े से और ले लूँ, यहाँ से समोसा ले लूँ, पेरी बाइट्स ले लूँ, और कुछ फ्राइड आइटम बना हुआ वो खा लूँ, कभी ऐसा दिल नहीं चाहता आपका? नहीं, अगर वजन कम करना है तो उस चीज के लिए रोकना तो पड़ेगा ना अपने आप को, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये डाइट है, ऐसे ही डाइट में तो बंदा भूखा मर जाए।
यार अब देखिए मुन्नू भाई, अब आप लोगों को गलत बात बता रहे हैं, अब मुझे आपकी वीडियो बंद करनी पड़ेगी और मैं आपकी वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं ये नहीं खाना है अगर वजन कम करना है तो। मैं गलत गाइड करूंगा, मैं गलत गाइड करूंगा, मेरा अपना चैनल है, आपसे बड़ा चैनल है मेरा, मैं गलत गाइड करूंगा लोगों को, इतनी फिल्मों का प्रोड्यूसर भी हूँ मैं। अच्छा मुन्नू भाई को भैया हम लाफिस करेंगे, मुन्नू भाई की डाइट नहीं चलेगी, बंद करो मुन्नू भाई की वीडियो। ऐसा कैसे बंद कर देंगे आप हमारी वीडियो, देखे ऐसे। अच्छा जी, तो ये थे चुन्नू भाई और मुन्नू भाई, दोनों भाई जिनकी मैंने आपको एक साथ अलग अलग डाइट बताई। एक शख्स अपनी प्लेट बनाता है, ये खवातीन भी कर सकती हैं, हजरात भी, एक अपनी प्लेट बनाता है जिसके अंदर थोड़ी सी फ्रूट चाट डालता है, वो भी बगैर क्रीम वाली, चना चाट डालता है, एक पकौड़ा या समोसा लेता है, लीमू पानी पीता है, ये उसकी इफ्तार है। और दूसरा क्या करता है, जलेबियों का इंतजार कर रहा है और पकौड़े, समोसे, लस्सियाँ और रूह अफजा और सब चीज़ें भाई की चल रही हैं, और बोल रहा है ये तो मैं 3 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीता था, मैंने 1 गिलास कर दिया। तो इस तरह का जो करेगा उसका वज़न कम नहीं होगा, वो खुद बम होगा, और जो चुन्नू भाई की डाइट फॉलो करेगा उसका वज़न इंशाल्लाह ताला कम होगा। तो ये आज की वीडियो थी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ ये बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाले दिनों की वीडियो मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे बताइए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।